अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड हम देख रहे हैं रंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. इसमें भी आपको क्या गिवन होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इनिशियल कंडीशन दी होगी y एट x जीरो इक्वल टू वाई जीरो. तो रंगे कुट्टे मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस टू एक्स टू प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर. ये फॉर्मूला है, ठीक है. के वन और के फोर में कोई टू का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, के टू और के थ्री में टू का मल्टीप्लीकेशन है. यहाँ पर के वन क्या है, के वन इक्वल टू एच ऑफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, के टू इज एच ऑफ एफ एक्स एन प्लस एच बाय टू कॉमा वाई एन प्लस के वन बाय टू, जो के वन हम प्रीवियस में निकालेंगे उसका करेंगे. के थ्री इक्वल टू क्या होगा, एच एफ एक्स एन प्लस एच बाय टू कॉमा वाई एन प्लस के टू बाय टू. यहाँ पर जो K2 की वैल्यू आएगी वो यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे. और K4 इज एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच कॉमा वाई एन प्लस के थ्री. ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है. दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा. अब हम इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स. तो फर्स्ट सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिफिकल्ट देखेंगे, लेंदी वाला. डिफिकल्ट तो नहीं होगा, थोड़ा लेंदी होगा. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यूज रंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू अप्रोक्सीमेट वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू पॉइंट वन. यानी आपको वाई की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट वन, एक्स की पॉइंट वन वैल्यू पे आपको वाई की वैल्यू निकालनी है. गिवन दैट वाई इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है एक्स जीरो जीरो है और वाई जीरो वन है, और आपको डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई दिया हुआ है. तो ये हमें क्वेश्चन में एफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, फंक्शन एक्स जीरो जीरो है, वाई जीरो वन है, और हमें एक्स वन दिया हुआ है पॉइंट वन, एच नहीं दिया हुआ है. तो कैसे निकालोगे, एक्स वन माइनस एक्स जीरो, तो पॉइंट वन माइनस जीरो इज पॉइंट वन. हमें निकालना है वाई वन, वाई वन का मतलब है वाई एट पॉइंट वन, वाई एट वैल्यू ऑफ एक्स वन. तो रंगा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर. के वन क्या था, एच ऑफ एफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन. के टू था एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाय टू कॉमा वाई एन प्लस के वन बाय टू. और के थ्री क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच बाय टू कॉमा वाई एन प्लस के टू बाय टू. और के फोर क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस के थ्री. अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट वन, यानी हमें निकालना है y1. तो y1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें अगर मुझे yn निकालना है तो मुझे n की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी, जीरो. तो मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट कर दूंगी, जीरो. तो हमने इक्वेशन वन में n इक्वल टू जीरो पुट किया, तो ये हो गया y1 इक्वल टू y0 प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर. और के1 क्या था, एच ऑफ एफ एक्स एन कॉमा वाई एन, तो ये एक्स जीरो वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि एन जीरो ले रहे हैं. के टू क्या हो जाएगा, एच ऑफ एफ एक्स जीरो प्लस एच बाय टू कॉमा वाई जीरो प्लस के वन बाय टू. के थ्री हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाय टू वाई जीरो प्लस के बाय टू. और के फोर हो जाएगा एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस के थ्री. अब हमें के वन की निकालनी है वैल्यू, तो के वन का ये फॉर्मूला है, इसमें हम एच की वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट वन जो हमने निकाली थी. और फंक्शन हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पर एक्स जीरो वाई जीरो सब्सिट्यूट कर देंगे, तो एक्स जीरो प्लस वाई जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू जीरो गिवन है, वाई जीरो की वन गिवन है, तो के वन आ गया हमारा पॉइंट वन. अब के टू के लिए क्या है, के टू का फॉर्मूला क्या है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाय टू कॉमा वाई जीरो प्लस के वन बाय टू. तो एच की वैल्यू पॉइंट वन है और एफ का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस वाई. तो हम लिखेंगे पॉइंट वन एच की वैल्यू एक्स जीरो प्लस एच बाय टू प्लस वाई जीरो प्लस के वन बाय टू, क्योंकि ये एक्स है ये हमारा वाई है. तो एक्स की जगह क्या सब्सिट्यूट करना है, एक्स जीरो प्लस एच बाय टू. और वाई की जगह क्या सब्सिट्यूट करना है, वाई जीरो प्लस के वन बाय टू. अब इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर लो, इसमें के वन की वैल्यू हमने निकाली है पॉइंट वन वो आ जाएगी, और एक्स जीरो वाई जीरो हमें गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, तो के टू की वैल्यू आ गई पॉइंट वन वन. अब सिमिलरली के थ्री क्या हो जाएगा, के थ्री हमारा क्या हो रहा था, एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच बाय टू कॉमा वाई जीरो प्लस के बाय टू. तो इसको फंक्शन में पुट करेंगे एक्स प्लस वाई में, तो ये एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा, तो एच इंटू एक्स प्लस एच एक्स जीरो प्लस एच बाय टू प्लस वाई जीरो प्लस के बाय टू.
अब इसमें के टू की वैल्यू जो हमने निकाली है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें के थ्री की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही के फोर का फॉर्मूला क्या था, एच इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच कॉमा वाई जीरो प्लस के थ्री, तो एक्स प्लस एच करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस के थ्री, के थ्री की वैल्यू ये वाली सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें के फोर की वैल्यू मिल जाएगी। और के वन के टू के थ्री के फोर हमें मिल गया है, वाई जीरो हमें वन गिवन है। अब इसको हम इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में हमें वाई जीरो की वैल्यू पता है, के वन के टू के थ्री के फोर हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें y1 की वैल्यू मिल गई 1.1103। ये हमारा क्या आ गया आंसर, तो हमें मिल गया y एट x यानी y एट पॉइंट वन इक्वल्स टू मिल गया 1.1103, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसमें क्या क्या के बने ये मैंने दे दिया, जब आप आंसर निकालोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा।